सो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका संगीत शिक्षा हिंदी पे। दैट्स मी शिवम कुमार, वेलकम यू ऑन माय चैनल। तो जी नमस्कार, मैं हूँ शिवम कुमार और आप सभी का स्वागत है संगीत शिक्षा हिंदी चैनल पर। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूपी टीजीटी एंड पीजीटी 2021 म्यूजिक टीचर के लिए गाइडलाइंस कि क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज है, कितनी वैकेंसी हैं, क्या कैटेगरीज हैं, ये सब मैं आपको बताऊँगा। ओके, और क्या अंतिम तिथि है आवेदन करने की, फीस जमा करने की और साथ ही साथ फॉर्म फाइनल सबमिट करने की। ओके, तो सबसे पहले चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि यूपी टीजीटी और पीजीटी, टीजीटी है ग्रेजुएशन लेवल पर, पीजीटी है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर। मीन्स टू से दैट कि आपके पास मिनिमम ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए टीजीटी के लिए, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप म्यूजिक से ही ग्रेजुएट हैं, मीन्स टू से दैट कि आप बीए किए हुए हैं म्यूजिक से, म्यूजिक ओनर से किए हैं, म्यूजिक वोकल से किए हैं या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से किए हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ ऐसा ही पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ भी एप्लीकेबल है कि आपको एमए म्यूजिक से होना चाहिए, वेदर इट इज इंस्ट्रूमेंटल और वेदर इट इज वोकल। ओके, साथ ही साथ जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी एसटी सभी कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं, वैकेंसीज हैं, आप वैकेंसी चेक कर सकते हैं सरकारी रिजल्ट पर। और बोलना चाहूँगा ये कि दोनों कैटेगरी अलग है, इंस्ट्रूमेंट की भी और वोकल की भी। आप एक बार में एक के लिए आवेदन कर सकते हैं और एक एग्ज़ाम दे सकते हैं, वेदर इट इज़ वोकल और वेदर इट इज़ इंस्ट्रूमेंटल, जिसमें भी आपने क्वालिफिकेशन हासिल किया है। अच्छा, अब बात करूँगा क्वालिफिकेशन की, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी समझ से, जो लोगों को कन्फ्यूज़न भी क्रिएट करता है कि क्या सर मैं क्वालिफाइड हूँ कि नहीं। देखिए, अगर आप ग्रेजुएट इंडिपेंडेंटली बीए म्यूज़िक किए हुए हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बीए किए हुए हैं जैसे हिस्ट्री से, या बीएससी किए हैं बायोलॉजी से, केमिस्ट्री से, या बीए किए हुए हैं या बीकॉम किए हुए हैं, है ना, तो आपको बिसाइड दैट, अगर आप बीकॉम, बीएससी और बीए अगर अदर सब्जेक्ट से किए हुए हैं तो बिसाइड दैट आपको एक म्यूजिकल डिग्री होनी चाहिए, जैसे प्रभाकर, विशारद। बस ऐसा कुछ नहीं है कि आप, कुछ लोग को कन्फ्यूज़न रहती है कि सर हम रिजेक्ट कर दिया था फॉर्म, ऐसा कुछ नहीं है। प्रभाकर की प्रयाग संगीत समिति की मान्यता है, गंधर्व महाविद्यालय की भी मान्यता है और साथ ही साथ भातखंडे संगीत महाविद्यालय की भी मान्यता है, प्राचीन कला केंद्र की मान्यता नहीं है। तो आपको प्रभाकर होना अनिवार्य है, प्रभाकर, विशारद, जो भी आप बोलें। बात एक ही है, मैंने विद्यालय बता दिया आपको, बोर्ड बता दिया है, ठीक है। हाई स्कूल इंटर तो होगा ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं एज की। तो एज जो है वो मिनिमम 21 है और लिमिट कोई नहीं है, आप किसी भी एज से भर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, मिनिमम 21 है। ओके, अब इसमें दो कैटेगरी है, बालक और बालिका। मैंने इससे पहले वीडियो बताया भी था, बालक यानी बॉयज़ और गर्ल्स की अलग अलग कैटेगरी है और अलग अलग ही इंस्ट्रूमेंट और वोकल की भी कैटेगरी है, ठीक है। इसके बाद जो वीडियोस आएंगे वो रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, मींस टू से दैट कि रिलेटेड टू द सिलेबस, जो सब्जेक्ट का सिलेबस होगा, अगर आप वोकल से कर रहे हैं तो क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हैं तो क्या होगा, कैसे तैयारी करें, इन सब पर भी मैं वीडियो बताऊंगा, ठीक है। हालांकि अभी तो इस चैनल पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स लोग हैं, पर जो हमसे दूर बैठे हैं जिनको जानकारी नहीं है तो मैं बता सकता हूं, और अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट 1 मई है, अभी 2 दिन बाकी हैं, ठीक है, 2 दिन तो आपके पास हैं और एक रात है। साथ ही साथ फीस सबमिट की 3 मई है और लास्ट फॉर्म सबमिट की 5 है, तो वो एक साथ ही हो जाता है, नो प्रॉब्लम। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और जाके अप्लाई करें, मैंने तो अप्लाई कर लिया है, ठीक है। और डेट एक्सटेंड हो सकती है, शायद कल तक आप इंतज़ार करोगे, अभी तक डेट एक्सटेंड हो रही थी, ओके, अभी डेट एक्सपायर नहीं हुई है, क्योंकि लास्ट टाइम ये वैकेंसी नवंबर में निकली थी तो कुछ किसी कारणवश शायद बायोलॉजी की वैकेंसी नहीं थी, तो इसीलिए इस पर रोकथाम लग गया था, फिर दोबारा ये निकली है वैकेंसी, ओके। तो जिन्होंने पहले भर लिया सो डोंट बी वरी अबाउट दैट, आपका फॉर्म मान्य है। मैंने भी नवंबर में ही अप्लाई किया था, उसके बाद रोकथाम लग गया था किसी कारणवश, वही बायोलॉजी सब्जेक्ट की शायद वैकेंसी नहीं थी, दैट्स वाई। तो अब वैकेंसी ज़्यादा भी आई हैं, वैकेंसी कुछ ज़्यादा भी उस समय कम थी, 5-6 थी। सो ट्राई इट एंड अप्लाई फॉर द म्यूजिक टीचर एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। और आगे मैं वीडियोज़ बताऊँगा जिससे आप तैयारी कर सकते हैं, कैसे कैसे प्रैक्टिकल होगा, कैसे थ्योरी एग्जाम होगा, इन सब के बारे में, सिलेबस के बारे में, ओके। अगर कुछ छूट गया हो, वैसे तो मैंने सब जानकारी दे दी है, बाकी आप पोर्टल पर जाकर जानकारी ले सकते हैं, वो जो फॉर्म भरेगा वो आपको पूरा जानकारी दे देगा, बाकी मैंने ये आपको बता दी, ये कन्फ्यूज़न मैंने आपका दूर कर दिया, कॉलेज वाला, मीन्स टू से दैट कि क्वालिफिकेशन कि ये मान्य है कि नहीं है, ये मान्य है कि नहीं, ठीक है। सिर्फ प्राचीन कला केंद्र का ऑप्शन नहीं है, आप ऑलरेडी जब आप सेलेक्ट करेंगे अपना क्वालिफिकेशन वहाँ पर जब करेंगे तो आपके सारे कॉलेज सामने आ जाएंगे, प्रयाग संगीत समिति, गंधर्व महाविद्यालय, भातखंडे विश्वविद्यालय, जो भी है सब आ जाएंगे, प्राचीन कला केंद्र नहीं है, ठीक है। सो आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपका कोई भी सवाल हो, ओके। सो स्टे होम, स्टे सेफ,
लव यू, टेक केयर।